सो फ्रेंड्स कैसे हो, आशा करता हूँ कि ठीक हो गए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि पहले मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था 59 एप्लीकेशन जो कि इंडिया से डिलीट हो चुकी है, जो कि चाइनीज एप्लीकेशन थी जिसको आपको डिलीट कर देना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को चेक कर लो और उसको देख लो। तो आज की इस वीडियो में आपको क्लियर करने आ रहा हूँ, क्योंकि कई लोगों को प्रॉब्लम थी कि पबजी भी एक चाइनीज एप्लीकेशन है और वो क्यों नहीं डिलीट हुआ और क्यों नहीं बैन हुआ अपने इंडिया से। सारी जो भी इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं कि वो बैन होगा या नहीं होगा, हो सकता है या नहीं हो सकता, सारी कंफ्यूजन आपको हटा दूंगा, दूर कर दूंगा फ्रेंड्स। तो वीडियो पूरा देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं पबजी की। तो पबजी जब हम ऑन करते हैं तो आपको शायद आपने देखा होगा साइड में टेनासेंट का एक साइन था, टेनासेंट लिखा होता है, और आपने उसको प्ले स्टोर पर देखा होगा तो टेनासेंट वहाँ पर नीचे लिखा हुआ होता है। तो फ्रेंड्स अगर हम टेनासेंट को गूगल पे सर्च करते हैं तो हम सब जानते हैं कि टेनासेंट पे सर्च करने पे हमें वहाँ पर कुछ ऐसा आता है कि चाइनीज मल्टीनेशनल गेमिंग कंपनी है ये, तो ये चाइना की कंपनी है। तो फ्रेंड्स हाँ, ये चाइना की है तो ये बैन क्यों नहीं हुई? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, अगर आप 2 मिनट और वेट 2 सेकंड वेट करते हो उसके बाद आप शायद पढ़े होंगे जब पबजी स्टार्ट होता है वहाँ पर लिखा था पबजी कारपोरेशन। और अगर हम गूगल पे जाके पबजी कारपोरेशन सर्च करते हैं तो हमें मिलता है एक रिजल्ट जिसमें हमें शो होता है कि एक गेमिंग कंपनी है जो कि गेम्स बनाती है, वो कंपनी साउथ कोरिया की है और साउथ कोरिया ने इस कंपनी का नाम ब्लू होल रखा है। तो फ्रेंड्स इससे लगता है कि इससे पता चलता है कि ये साउथ कोरियन गेम है, तो ये चाइनीज उसमें क्यों लिखाता है टेंशन। तो फ्रेंड्स मैं बता दूँ, साउथ कोरिया की गेम थी जो कि सबसे पहले पीसी में अपलोड हुई थी पबजी, और ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी साउथ कोरिया में, इनफैक्ट इंडिया बहुत ज़्यादा सारे देश में वर्ल्ड वाइड फेमस हो गई थी फ्रेंड्स। तो ये पीसी में थी लेकिन बट उस टाइम, और इसको अपना कारोबार आगे बढ़ाना था अपने साउथ कोरिया को, अपने गेम का ब्लू होल को, तो उसने अपने चाइनाज मार्केट में अपना हाथ रखा, और चाइनाज मार्केट में हाथ रखते उसने टेनासन से दोस्ती की, जो कि एक चाइना की कंपनी है जो कि चाइना में गेमिंग बनाती है, वो टेनासन कंपनी है। तो उन्होंने उनके साथ मतलब समझौता हुआ, तो फ्रेंड्स उन्होंने टेनासन ने उनके साथ हाथ मिलाया, और फिर उन्होंने पबजी से एक पीसी से आइडिया लेके पबजी मोबाइल बनाई, और पबजी को मोबाइल में फर्स्ट टाइम अपलोड किया, और एक वर्ल्ड देखते देखते वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया। तो फ्रेंड अब पता है, हर एक चीज़ करने से पहले अगर आपको अर्निंग करनी है तो मोनेटाइज करना पड़ता है, इनफैक्ट यूट्यूब चैनल को भी मोनेटाइज करना पड़ता है, सब कुछ को मोनेटाइज करना पड़ता है। तो उन्होंने सोचा इतना कुछ डाउनलोडर्स आए हैं तो क्यों ना हम उसको मोनेटाइज करते। तो अगर मोनेटाइज करना है, चाइना का रूल है कि अगर कोई भी चीज़ मोनेटाइज कराना हो, कोई भी एप्लीकेशन गेमिंग, तो उनको गवर्नमेंट से इजाजत देनी पड़ती है। तो जब उन्होंने इजाजत ली गवर्नमेंट से तो उनको गवर्नमेंट ने इजाजत नहीं दी, इनफैक्ट उनकी पबजी को चाइना से डिलीट कर दिया फ्रेंड्स, यानी डेवलपर जहाँ का चाइना का था वहीं से डिलीट कर दिया, और चाइना में भी गेम बैन है और पबजी, और उन्होंने वहीं से डेवलप हुआ था ये गेम, और वहाँ पे फिर उन्होंने चाइना ने देखते ही चाइना से देखते ही पबजी के एक हुआ वो गेम बना दिया, जिसका नाम है पीस फोर, गेम फॉर पीस कुछ ऐसा है ऐसा है। तो फ्रेंड्स उसे वो हुआ वो पबजी की तरह, तो उन्होंने उस पर तो मोनेटाइज कर दिया, ये पता नहीं क्या सोच के कर दिया उसको मोनेटाइज कर दिया, इसको नहीं किया। तो अब आप सोच रहे हो कि यार हाँ, ये तो फिर चाइनीज डेवलपर ने, तो इसको 100% चाइनीज कहना भी गलत होगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये आइडिया एकदम साउथ कोरियन का टिप्टो चिपका हुआ था, उन्होंने बस एक फोन में उन्होंने अपलोड कर दिया ये, और इस वजह से ये चाइनीज गेम खिलाती है, बट वो चाइना में बैन है तो आप इसको 100% नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, अगर आप कुछ खरीदते हो पबजी में, जैसे पीसी से फिर लाइट पास लेते हो, बहुत कुछ होता है उसमें, अगर आप कुछ भी खरीदते हो तो आपको बहुत प्रॉब्लम, आपके कुछ परसेंटेज यानी 40% रेवेन्यू चाइना को जाती है। तो फ्रेंड्स मैं तो ये कहूँगा कि पबजी ना खेलो, और उसकी उसमें खेलो भी तो रेवेन्यू तो भाई कभी भी कुछ खरीदने के लिए पैसे खर्च ही ना करो। तो वीडियो कैसे लगी ना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करना, हमारे ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।